आज मसाला किचन में वो रेसिपी लाई हूँ जिसके लिए आप बहुत सारे कमेंट करते थे, वो है सोन रोल। सोन पापड़ी कैसे बनती है आखिर? बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सरल तरीका लाई हूँ। सिर्फ आप अकेले ही हैं, घर में कोई भी नहीं है, तब भी आप इसे बनाइए और घर वालों को सरप्राइज दीजिए। बिना हलवाई के, बिना टेंशन के कुछ खास ट्रिक्स दे रही हूँ, कुछ खास आपको रेशो दे रही हूँ, जिसकी वजह से सोन रोल हजारों लेयर्स, हजारों रेशों के साथ बनेगी। इतनी अच्छी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये हमने बनाई है। और घी तो बिल्कुल ना के बराबर, सिर्फ और सिर्फ 3 चम्मच घी से ये सोन रोल बनकर तैयार हो रही है। तो सबसे पहली शर्त ये होगी, ये सोन रोल आप खुद बना सकेंगे, आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा बिना स्किप किए हुए, जिससे आपको सारे स्टेप के बारे में पता चल जाए। कितनी आसान है, इसे बनाना तो बनता ही है। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। यहाँ आपको ये देखना है कि हमें इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए क्या। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप क्या कीजिए, छोटी सी कटोरी ले लीजिए जो नॉर्मल हमारे घर में होती है, उसी कटोरी से आप 2 कटोरी मैदा ले लीजिए, 2 चम्मच खाने वाले चम्मच बेसन ले लीजिए। वो खाने वाला जो चम्मच होता है उसी से ही आपको 3 टेबल स्पून खाली लेना है घी। सिर्फ और सिर्फ 3 टेबल स्पून, आपको ढेर घी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब आप एक मोटी कढ़ाई ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए पहले 2 टेबल स्पून घी, उसमें मैदा और बेसन डालकर थोड़ा चला लीजिए। थोड़ा चलाने के बाद जो 1 टेबल स्पून बचा हुआ है उसे भी मैं डाल देती हूँ। अब आपको बस इसी 3 टेबल स्पून घी से इस मैदे और बेसन को भूनना है। याद रहे भली 6 मिनट 8 मिनट भी लग जाएं, पर स्लो गैस पे आपको भूनना है इसे, और इसे भीनी भीनी जो खुशबू आ जाए तब तक आपको भूनना है, नहीं तो उस कच्चेपन का फ्लेवर आएगा, वो बिल्कुल आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आप इसे अच्छे से भूनिए। त्योहारों के टाइम हमें लगता है वही ट्रेडिशनल मिठाइयाँ हम घर में बनाएं जो एक्चुअल में हलवाई लोग बनाते हैं, तो आज वही ट्रेडिशनल रेसिपी लाई हूँ। इसे बहुत मैंने मेहनत की है, कईयों बार बनाया है, कईयों बार सोचा है कि इसमें ये कमी रह गई, इसमें ये कमी रह गई, तो आज मैंने जो वीडियो बनाया है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए बनाया है। सारी ट्रिक्स लाई हूँ कि जिससे आपका ये सोन रोल बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। लीजिए, बातों ही बातों में ये जो मैदा और बेसन है अच्छा सा भुन गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसका गैस बंद कर रही हूँ, लाइट हल्का सा शेड भी आ गया है। अब हम लेंगे एक बड़ी सी परात, जितनी बड़ी आपके पास परात हो अच्छी बात है, उसमें आप इस मैदे और बेसन को छान लीजिए। जैसे जैसे मैंने हर चीज़ की है, जैसे बेसन और मैदे को पहले किया है, तो आप पहले ही करिए, चाशनी बाद में बनाइए। तो सारा स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो वो सारी चीज़ें अच्छी होगी। ये देखिए, मैंने सारे मिश्रण को छान के एक तरफ रख दिया। अब चलते हैं चाशनी की तरफ। इस मिठाई में, इस सोन रोल में सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं और कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिए, मैंने करीब करीब बेसन और मैदा कुल मिला के 200 ग्राम के आसपास लिया था, उतना ही मेरे को चीनी चाहिए और आधी कटोरी इसमें पानी डाल दीजिए। पानी से मतलब ये है कि जो चीनी में हम पानी डाल रहे हैं, बस उतना पानी चाहिए कि हमारी चीनी जो है ना भीग सके। स्लो गैस रखना है, हैंडल वाला बर्तन ले लीजिए, इसमें 1/2 टीस्पून आप डाल दीजिए नींबू का रस और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजिए। और इस चाशनी को हमें बिल्कुल भी चलाना नहीं है। एक और शर्त है, इस मिठाई को बनाने के लिए आप जहाँ बना रहे हो वहाँ फैन भी बंद कर दीजिए, एसी भी बंद कर दीजिए, जिससे इसमें हवा ना लगे। अब यहाँ भी हमें कम से कम 20-22 मिनट लगने हैं चाशनी बनाने में। आपको आश्चर्य लगेगा, 20-22 मिनट चाशनी बनाने में? जी हाँ, इसकी चाशनी खास होती है। समझ लीजिए, घर में होममेड वैक्स बनाया जाता है, तो वैक्स बनाने के लिए आपको पता है ना किस कलर का वैक्स होता है और किस कलर, किस कंडीशन में होता है, वही वैक्स हम मिठाई के लिए बना रहे हैं। अब एक और बात, यहाँ पर एक पास में एक कटोरी रख लीजिए, उसमें पानी डाल डाल कर हमें चेक करते जाना होगा बारी बारी से कि चाशनी कितनी बनी है। अभी हमने चाशनी में एक बार भी चम्मच नहीं डाला था, लेकिन जब चीनी घुल जाए उसके बाद आप चेक कर सकते हो। देखो, पहली बार में डाल रही हूँ ना, चीनी घुलने के बाद तो बिल्कुल बिखर सी गई, किसी काम की नहीं। कम से कम 4-5 बार कुछ कुछ बूंदें डालकर हमें चेक करना होगा।
फ्लेम हमें हमारी वही रहेगी स्लो, बबल्स आते रहेंगे, आप डरिए मत, आराम से उसे बनाइए। यहाँ मैं तीसरी बार चेक कर रही हूँ। अब चाशनी वहाँ पे रुक तो रही है, बिखर नहीं रही है, लेकिन अभी ये नहीं चाहिए, अभी हमें तो एक गोली बने वैसी चाहिए। ये बहुत ही कच्ची गोली है, ऐसी नहीं चाहिए। बस हैंडल से सरकाते जाइए या फिर चम्मच से थोड़ा चलाइए, फ्लेम को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पेशेंस वाली है और ये यकीन मानिए आपको दूसरे मेंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही इसे बना लेंगे। अब अच्छे से गोली तो बन रही है लेकिन अभी भी इस चाशनी में कलर नहीं आया है और करीब करीब 20 मिनट हो चुके हैं इस चाशनी को पकते हुए। अब लाइट शेड आने लगा है, अब जब तक इसमें डार्क थोड़ा शेड नहीं आएगा तब तक हम इसे पकाएंगे। अब हमें गैस तो बंद करना है लेकिन चाशनी को अभी वहीं पर ही रहने देना है क्योंकि बहुत ही गर्म है ना, अभी और इसमें कलर आएगा। ये देखिए पहले कैसी थी और अब कैसे हो गई है। एक और बात, इस चाशनी को हमें जहाँ फैलाना है उसके लिए हमें चाहिए कुछ सिलिकॉन का एक शीट आता है उस पर रख दीजिए। सिलिकॉन की नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉन स्टिक की कोई कढ़ाई या प्लेट है उस पर डाल दीजिए। कुछ भी नहीं है तो कोई भी स्टील एल्यूमिनियम की थाली ले सकते हैं, उस पर अच्छे से घी लगा दीजिए। अब क्योंकि मेरी सिलिकॉन की थी तो मैंने हल्का सा घी लगाया, नहीं भी लगाती तो चलता। और 3-4 मिनट के बाद, टाइम का ध्यान रखे, 3-4 मिनट के बाद मैंने इस चाशनी को सिलिकॉन शीट पे डाल दिया है और उसके बाद भी हमें कम से कम यहाँ पर 3-4 मिनट और लगेंगे। इतनी गर्म है कि बिल्कुल आपका हाथ जल जाएगा। अभी आपको कलर काफ़ी चेंज लग रहा होगा यहाँ पे। हलवाई लोग तो स्लैब पे ही फैला देते हैं, उनको कोई डर ही नहीं होता, पर अपने को थोड़ा अजीब सा लगता है स्लैब पे फैलाना। वैसे आप भी अगर स्लैब को साफ़ करके फैलाना चाहें घी लगा के तो उस पर भी डाल सकते हैं, उस पर बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, स्लैब ठंडा होता है। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है आपको हर स्टेप दिखाऊं और टाइम की बात आपको बताऊं जिससे आप भी बनाने में परेशान ना हो। अब देखिए 3-4 मिनट के बाद वो ऐसी हो गई है कि हम उसे उठा उठा के इकट्ठा कर रहे हैं तो इकट्ठी हो रही है, आराम से लग रही है ना, बिल्कुल वैक्स जैसी। थोड़ा फैलाइए, थोड़ा उसको इकट्ठा कीजिए, इसी तरीके से बच्चों की तरह हमें भी खेलना है। जब ये थोड़ी सी ठंडी होगी, मतलब उठाने लायक, फिर हमारी आएगी मेहनत की बारी। हलवाई लोग भी अकेले नहीं करते, इतना बड़ा सा उसका शक्कर का वो ये डो बनाते हैं और काफ़ी सारे लोग साथ में मिलकर बनाते हैं इसे। तो हम घर में तो थोड़ा सा ही बनाते हैं जिसकी वजह से हम अकेले इसे बना पाएंगे। ये लीजिए अब ऐसा हो गया वो मिश्रण कि हम उसे इकट्ठा करके उठा पा रहे हैं। अब दोनों हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लीजिए और फिर इसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए इस तरीके से पलटते जाइए जिससे थोड़ी ठंडी भी हो जाए, आप हाथों से उठा भी पाएँ उसे। अब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कीजिए इसे कम से कम 15-20-25 बार। इसी तरीके से आपको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है, चाहे आप हाथ में पकड़ के करें या इसी तरीके से शीट पर ही करते रहें। अब ये हाथों में पकड़ने लायक हो गई है तो मैं इसे पकड़ सकती हूँ। वापस मैंने घी लगाया और इसे इस तरीके से मैं रोल करती जा रही हूँ। आपने देखा ना कलर में कितना चेंज आया, अब काफ़ी अच्छा गोल्डन कलर लग रहा है। ये देखिए छोटी सी तो ट्रिक होती है, उसी चीनी से चाशनी बनाते हैं, उसी चीनी से हम बूरा बना लेते हैं, उसी चीनी से हम इस तरीके से रबड़ की तरह बना रहे हैं, इसी चीनी से हम कैरेमल बना लेते हैं, है ना बड़ी अजीब सी बात। ये देखिए अब काफ़ी कलर चेंज आया ना। अब हमें करना क्या होगा, 20-22 बार करने के बाद हमें इसका एक रोल बनाना होगा। ये देखिए दोनों छोर को जोड़ दीजिए और एक रोल बनाइए। ये देखिए अब हमें उसी परात के अंदर इसे डालना होगा। याद रहे यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान ये देना है कि इस रोल को हमें तोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। इस तरीके से रोल को डबल करते जाइए और जो सूखा मिश्रण जो हमने आटा बना के रखा है, मैदा और बेसन, उसे आप इसके ऊपर डालते जाइए। जैसे जैसे आप धीरे धीरे इसके ऊपर डालते जाएंगे वो अपने आप एब्जॉर्ब करता जाएगा और इसके ढेर सारे लच्छे बनते चले जाएंगे। ये सारा काम मैंने अकेले ही किया है, आप चाहें तो किसी की मदद ले सकते हैं।
अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगी कि बार बार आपको इसी तरीके से रोल बनाना है, उसके लच्छे बनाना है इसी तरीके से, और उसी बेसन को बार बार मैदे को आप इसके ऊपर डालते चले जाइए। कलर में आपको खुद ही पता चलेगा कितना चेंज आ रहा है। थोड़ा सा ही आप गोल कीजिए और उसे आप रोल, डबल रोल कर लीजिए। अगर आप ज़्यादा खींच लेंगे तो टूट सकता है। आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा रेशे आ रहे हैं इसके अंदर। बस इसमें मेन मेहनत है, इंग्रेडिएंट्स तो बहुत ही कम है। घी तो आपने देख ही लिया, सिर्फ 3 चम्मच घी है, और फिर ये बहुत ही बढ़िया बन जाती है तो मन खुश हो जाता है। जब तक कोई भी रेसिपी मुझे परफेक्ट नहीं लगती, मैं आपके सामने नहीं लाती हूँ। मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है आपके साथ कोई भी बात शेयर करने के लिए। मेन आपको बस यही करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सारा फॉलो कीजिए, आप भी इस तरीके से बना सकेंगे। आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक वो जो मैदा और बेसन था इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और कितने पतले बारीक रेशे आए हैं। कलर भी कितना लाइट हो गया है, कहाँ वैक्स का कलर दिख रहा था और कहाँ लाइट क्रीम कलर का हो गया ये। धीरे धीरे खींचिए जिससे टूटे भी नहीं और आपका काम भी बड़ा आसान हो जाए। ऑलमोस्ट बेसन जो मैदा था वो ख़त्म हो चुका है। जब आपको लगे कि अब ओवर हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा हमने कर लिया है, अब ये टूटने के उस पे है, अब इससे ज़्यादा नहीं संभाला जाएगा, तब आप उस जो बचा हुआ बेसन मैदा है उसे हटा दीजिए। जितना उसने एब्जॉर्ब करना था वो कर लिया, अब बाकी का मिश्रण आप हटा दीजिए। ये बेसन मैदा आपके किसी भी काम में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वो बिल्कुल भी इससे ज़्यादा रेशे नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए बस यही एक ट्रिक आपको समझ में आ जाती है कि इससे ज़्यादा वो नहीं खिंच पाएगा। बाकी का बेसन हटा दीजिए और इस तरीके से उसे पकड़ के ना झाड़ दीजिए। मैंने अच्छे से इन रेशों को खोल दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप ले लीजिए, उसे हल्के हाथों से रोल करते जाइए, और कटोरी या स्टील की, चीनी की, प्लास्टिक की, जो भी आपको अच्छी लगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब प्लास्टिक की भी लेंगे तो कोई बात नहीं है, और उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालना चाहें, थोड़ा सा इलायची पाउडर डालना चाहें डाल दीजिए, और ऊपर से इसको डाल के हल्के हाथ से दबा दीजिए। जैसे ही आप दबाएंगे 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि उसे पलट के आपको देखेंगे कि वाओ, ये आपने खुद बनाया, आपको खुद भी अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए कितने बढ़िया रोल हैं जो हम इसमें कटोरियों में डालते चले जा रहे हैं। और कोई वेट नहीं करना है, आप चाहें तो उसी समय बिल्कुल आप हाथ में पलट लीजिए, बढ़िया सा रोल आपका तैयार हो गया। मैं आपको अब सारे रोल निकाल निकाल के दिखाती जा रही हूँ। ये देखिए लग रहा है ना इतना सुंदर रोल, जो हमें सोन रोल मार्केट में मिलता है वही सोन रोल हमने बनाया इतनी गर्मी में, मतलब बिना फैन चलाए, बिना एसी चलाए, और इसे फटाफट से बनाइए। उसके बाद इसे पैक भी करके रखना है आपको, तो कैसे पैक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये बहुत ही बढ़िया ये सोन रोल बनकर तैयार हो गया है, जो आपको बहुत पसंद आएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी पैकिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं इस सोन रोल को पैक कैसे कर रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आप पैक कर लेंगे ना तो इसमें हवा नहीं लगेगी, ये बहुत ही बढ़िया रहेगी। जो साड़ियों को पैक करने में पॉलीथीन का यूज़ होता है, उन्हीं पॉलीथीन को कट कर लीजिए और इस तरीके से पैक करते जाइए जिससे इसमें हवा ना लगे। हलवाई लोग भी इसी तरीके से पैक करके रखते हैं। एक और बात, अब मैं इस रोल बना हुआ जो है उसके रेशे निकाल के आपको दिखा रही हूँ वापस से। ये देखिए कितने बढ़िया उसके इतने सारे रेशे हैं। तो देखा ना आपने, उसी लच्छों को हमने वापस से फिर ऐसे रोल बना लिया। तो रोल बनाइए और खोल सकते हैं। तो सारी चीज़ें अब आपने समझ ली, सारी ट्रिक्स जो मेरे पास थी मैंने समझा दी। अब आप इसे कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए लाइक तो बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना कीजिए।